हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हेल्प सीरीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम किसान रजिस्ट्रेशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में डिटेल जानकारी देंगे, जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाए और हो सके तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक किसान भाई बंधु अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास 2-3 कट्ठा जमीन है तो आप किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको किसान रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यदि आप किसान रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवाए हैं तो निकटतम किसी ऑनलाइन सेंटर पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसका वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, आप उसी आईडी के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद आपको जो है वेरिफिकेशन के पश्चात 2,000 रूपया प्रत्येक 4 माह पर दिया जाएगा। दोस्तों, 1 साल में आपको 6,000 रूपया दिया जाएगा। दोस्तों, ये पैसा ऐसा नहीं है कि केवल एक बार ही आपको आएगा, आपका लाइफ टाइम पैसा जो है हर साल ये आपके अकाउंट में आते रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन करते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो किसान का सारा ब्यौरा आ जाता है और उस जगह आपको जमीन का रसीद का डिटेल जो है फिलअप करना होता है। जमीन का रसीद फिलअप करने के लिए सर्वप्रथम आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर जो है ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर थाना नंबर सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद खाता, खेसरा और जमीन का कुल रकबा सिलेक्ट करना पड़ता है, इंटर करना पड़ता है और आवेदक का हिस्सा जो है वो इंटर करना पड़ता है। दोस्तों, कुल रकबा जो है सो आप चाहे तो आवेदक के हिस्से में टोटल का टोटल डाल सकते हैं। यदि एक रसीद का 50 डिसमिल जो है टोटल पूर रहा है और उसी रसीद पर 2 आदमी आवेदन कर रहा है तो 25-25 जो है आवेदक का हिस्सा में डाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों, नीचे जो है आप जो है गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं और जैसे ही ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपके नंबर पर एक SMS आ जाता है। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आपका SMS में OTP नहीं आए तो आपको पेज को कटिंग नहीं है करना, पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए आप देखेंगे ऊपर में एक बटन दिया हुआ रहता है, या फिर आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइप करना है F5+Enter। जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे आपका पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा। दोस्तों, रिफ्रेश करने का काम आप तब तक करें जब तक कि आपके मोबाइल में जो है OTP नहीं आ जाए या फिर वो जो है साइट जो है ओपन नहीं हो जाए। दोस्तों, साइट एरर का 2 तरीका का प्रॉब्लम आता है, तो चलिए वो प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम जो है आपका एक ऐसा OTP आता है और OTP डालते हैं, सबमिट करते हैं तो सर्वर नॉट फाउंड या फिर सर्वर कुछ आ जाता है, सर्वर नॉट अवेलेबल करके ऐसे आता है। तो वो प्रॉब्लम जब तक आएगा तब तक आप जो है पेज को रिफ्रेश करते रहें। पेज को जितना बार रिफ्रेश करेंगे और जैसे ही आपका पेज दोबारा ओपन हो जाएगा तो आप छोड़ सकते हैं, आगे का काम कर सकते हैं। यदि सर्वर एरर का प्रॉब्लम आ जाए और लाल रंग से कुछ लिखा हुआ आ जाए तो दोस्तों उस जगह जो है आप जो है रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद उस जगह कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। इसके बाद जो है आप OTP डालते हैं और उसके बाद जैसे ही आपका दूसरा स्टेप में जो है कि आपका जो है रसीद को अपलोड करना होता है। दोस्तों, जैसे ही आप रसीद को अपलोड कर देते हैं, रसीद को आपको जो है 150 KB से कम में स्कैन करना है। दोस्तों, यदि आपके पास प्रिंटर है तो DPI जो है 96 या फिर 72 सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो है 5-6 रसीद भी स्कैन करेंगे तो वह जो रसीद जो बन के आएगा PDF में वो 150 से कम KB में ही आएगा। इसके बाद जैसे ही आप PDF को वहां पे अपलोड कर देते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों वो साइट जो है घूर फिर के जो है उसी जगह आके रुक जाता है। तो दोस्तों, इस स्थिति में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या समस्या हो सकता है, क्या इसका निदान होगा, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जैसे ही आप PDF को अपलोड करते हैं और सबमिट बटन पर प्रेस करते हैं तो उस समय जो है आपका जो है एप्लीकेशन सक्सेसफुली या तो सबमिट हो जाएगा या तो पेज जो है घूर के उसी जगह आ जाएगा। आप
एक बार दो बार ट्राई कीजिए सबमिट करने का, और दो तीन बार सबमिट करने के बाद भी अगर पेज उसी जगह अगर घूर के आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो जमीन का जो डिसमिल जो वहां पे इंटर किए हैं, जहां पे आप जो है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और खाता खेसरा नंबर इंटर करते हैं, उस जगह आवेदक का हिस्सा जो है आप 11 डिसमिल से कम डाले होंगे। दोस्तों हम जो है न्यूनतम फॉर्म फिलअप किए हैं 11 डिसमिल तक, और उस जगह जो है कोई समस्या नहीं आता है। तो यदि आपका डिसमिल जो है 11 डिसमिल से कम इंटर किए हैं आवेदक का हिस्सा में या फिर कुल रकबा में, तो आपका फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ सकता है, आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा और बार बार घूर के उसी जगह आके अटक जाएगा। तो इस स्थिति में आप जो है वहां पे एक बार फिर से उसे बोले कि अपने पिता का, अपने भाई का या फिर अपना और भी जमीन का अधिक रकबा लेके आए, और उसे इंटर करने के बाद उसे आसानी से फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप फॉर्म भरने में बारीकी ध्यान दें कि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि कोई भी यदि गलती हो जाता है तो उसे आप सुधार नहीं सकते हैं। दोस्तों कोई गलती हो जाता है और जबरदस्ती आप उसे सुधार करना चाहते हैं तो आप कृषि समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसान रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, किसान रजिस्ट्रेशन करते वक्त हम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब हम जो है मतलब किसी किसान का सारा डिटेल फिलअप कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमारा पंचायत जो है आता ही नहीं है, हमारा गांव जो है वहां पे आता ही नहीं है, सर्च ही नहीं ले पाता है, जिस कारण से हमें बार बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है और उसी जगह हमें काफी समय तक रुकना पड़ता है। दोस्तों उस जगह आपको रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिए और आपका ब्लॉक वहां पे शो नहीं हो रहा है या फिर सर्च नहीं ले रहा है, तो नीचे आप मोबाइल नंबर सारा डिटेल जहां तक फिलअप होता है सारा डिटेल को फिलअप कर दीजिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए या फिर सबमिट कर दीजिए। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के लिए एक ऑप्शन भी आ जाएगा। जैसे ही सबमिट करते हैं उस जगह का जो ऑप्शन जो सर्च नहीं ले रहा था उस जगह आप सर्च किया हुआ आ जाएगा। अब वहां से फिर से आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही आप ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इस जगह फिर से जो है आपका पंचायत नहीं आने लगा, तो आपको करना क्या है, ओटीपी को उस जगह डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होगा उस जगह जो है पंचायत आ जाएगा। अब मान लीजिए आपका गांव नहीं आ रहा है, तो आप जो है क्या कीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही फॉर्म को सबमिट कीजिएगा तो वहां पे एक एरर मैसेज आएगा कि आपने गांव को सिलेक्ट नहीं किया है। तो इस स्थिति में वहां पे गांव को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और आप वहां पे देखिएगा कि जो सर्च नहीं कर रहा है उस जगह आपका गांव आ जाएगा, और वहां पर क्लिक करके आप गांव सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में फाइनल सबमिट कर देंगे और आपके सामने जो है उसका रिसीविंग आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप छोटे छोटे चीजों पर ध्यान रख के आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों डीबीटी एग्रीकल्चर से जुड़ी किसी भी सवाल यदि आपके मन में हो तो आप नीचे कमेंट करें, इसका रिप्लाई हम तुरंत देंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर यदि आए हैं पहली बार तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको कोई कमेंट हो या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं जिसका रिप्लाई हम सुबह के 7 बजे के बाद से 11:30 बजे रात तक देंगे, वो भी मात्र 10 मिनट के अंदर। तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटी को हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।